Welcome to the next session in the Crash Course series. I'm Yuvakshi Grover, and today we'll be discussing, Indian Penal Code 1860, Part 1. मैंने पार्ट वन यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आईपीसी बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, और हम इसे एक ही सेशन में ख़त्म नहीं कर सकते. इसीलिए इस क्रैश कोर्स सीरीज में हमने दो सेशंस आईपीसी को दिए हैं, और आज हम बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बचे हुए ऑफेंसेज और उनके इंपॉर्टेंट प्रोविजन को कवर करेंगे. तो आज इस मैराथन सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हम आईपीसी को उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यदि आप एलएलएम के लिए अपेयर करना चाह रहे हैं, तो एज अ स्टूडेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, सो दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द एंटायर सेशन टुडे. वी विल बी कवरिंग एलिमेंट्स ऑफ क्राइम. क्राइम के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, विच इंक्लूड्स मेंस रिया एंड एक्टस रिया. देन वी विल बी कवरिंग द ज्यूरिसडिक्शनल एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस लेजिस्लेशन, दैट इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन देखेंगे कैसे और कौन से सेक्शंस हैं, और देखेंगे इंटर टेरिटोरियल एप्लीकेशन इज लेजिस्लेशन का. फिर हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम. अब क्राइम के टोटल चार स्टेजेस होते हैं, लेकिन सारे स्टेजेस पनिशेबल नहीं होते हैं, और यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम एंड अप करते हैं गलत एमसीक्यू अपीयर करने के लिए. तो आज इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे यहाँ पे, और देखेंगे कि कौन से स्टेजेस आपके पनिशेबल है, कौन से स्टेजेस पनिशेबल नहीं है. देन इन दिस टॉपिक वील डिस्कस कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन. दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं आईपीसी के अंदर, हमें लगता है सेम है लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं, गलत करते हैं. तो आज हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे सेक्शन 34 और 149 के बीच में. इसके पहले हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशंस देखेंगे, जनरल एक्सप्लेनेशंस, जो डेफिनेशंस पूरे आईपीसी में कवर्ड है उन डेफिनेशंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे. देन वी विल डिस्कस द चैप्टर ऑफ जनरल डिफेंसेस. जनरल डिफेंसेस वो चैप्टर्स है जहाँ पर इवन दो इफ यू हैव कमिटेड अ क्राइम यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी. सो वील टेक अ ओवरव्यू एज टू वॉट आर दीज जनरल डिफेंसेज आर. देन वील कवर इनकॉइटेड क्राइम्स. अब ये क्या होते हैं, इसमें दो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. एक हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर अबेटमेंट को, ठीक है. दूसरा हम पढ़ेंगे कॉन्स्पिरेसी को. इनकॉइटेड क्राइम्स का बेसिक मतलब होता है वेर इन यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द क्राइम, बट यू आर द वन बिकॉज ऑफ होम दिस क्राइम हैज बीन कमिटेड सिंस यू हैव मेंस रिया इन्वॉल्व. अभी क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है इसको आगे डिटेल में समझते हैं. फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर करेंगे, विच विल इंक्लूड वेजिंग वॉर एंड सेडिशन. सेडिशन 124A है और काफी इंपॉर्टेंट है अभी, सो वील कवर इट हियर. एंड वील स्टार्ट विद ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी टुडे, बट वील कंक्लूड दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बात करते हैं क्राइम क्या होता है, क्राइम के एलिमेंट्स क्या है. मैंने यहाँ पे लिखा है एलिमेंट्स क्या है. अब एलिमेंट्स की बात मैंने करी तो एक सिंपल सी बात है कि क्राइम होने के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, ये दो बातें हमें याद रखनी है. पहला है हमारे पास मेंस रिया, दूसरा है हमारे पास एक्टस रिया. ये दो बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. ये दोनों बातें किसी भी क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए ऑल टुगेदर एग्जिस्ट करना इम्पॉर्टेंट है. तो इससे एक बात समझ में आई, मेंस रिया प्लस एक्टस रिया इज इक्वल टू क्रिमिनल लाइबिलिटी. Now, what is mens rea, what is actus rea, ये सब समझना भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है. इसके क्या केसेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी है. अब जो बात मैंने बोली mens rea plus actus rea criminal liability, वो इसी लैटिन मैक्सिम में दी हुई है, actus non facit ream nisi mens sit rea. This simply means that act alone does not make a man guilty. अब act क्या है, act है आपका actus rea. एक्ट है एक्टस रिया, और आपका गिल्टी माइंड होता है मेंस रिया. मेंस रिया का बेसिक मतलब यहाँ पर है गिल्टी माइंड. अब जब गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट मिलेगा तब हमारा होगा क्राइम. लेकिन क्या सारे ऑफेंसेस के लिए मेंस रिया इंपॉर्टेंट होता है? सो बेसिकली पहले समझ लेते हैं मेंस रिया होता क्या है. मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, दैट इज इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम. Intention to commit a crime is your guilty mind. इसके दो लैंडमार्क केसेस है, एक है क्वीन वर्सेस टॉल्सन, एक है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज का केस. क्वीन वर्सेस टॉल्सन में ये क्लियरली समझाया था कोर्ट ने, ये क्लियरली कोर्ट ने कहा था कि ये जनरल रूल है कि किसी भी एक्ट को क्राइम बनने के लिए जो फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इंटेंशन. और यदि किसी भी पार्टी का
क्रिमिनल इंटेंशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, कोई भी इंटेंशन है, तो लॉ के अंदर यदि वो चीज पनिशेबल है तो वो मेंस रिया कंसिडर होगा, और क्रिमिनल इंटेंशन के प्रेजेंस के कारण वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है अक्यूज जो है उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे अराइज होगी. ये क्वीन वर्सेस टॉल्सन में हमें एक्सप्लेन किया गया था. क्या ये केसेस याद रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? हाँ, ये केसेस याद रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी इन केसेस से ही हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल केसेस हैं ऑन दिस टॉपिक. तो मेंस रिया के ऊपर हमें क्वीन वर्सेस टॉल्सन और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएस जॉर्ज को याद रखना है. एमएस जॉर्ज के अंदर बात हुई थी मेंस रिया इन अ स्टैट्यूटरी ऑफेंस. नाउ व्हाट इज अ स्टैट्यूटरी ऑफेंस? ऑफेंस व्हिच इज डिक्लेयर्ड एज अ ऑफेंस अंडर अ गिवन स्टैट्यूट. तो इस केस में ये समझाया था कोर्ट ने कि यदि किसी स्टैट्यूट के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज एज अ ऑफेंस डिक्लेयर्ड है, नेसेसरी है कि मेंस रिया पार्ट होना चाहिए उस क्राइम के लिए, तो विदाउट मेंस रिया क्रिमिनल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो सकता. मेंस रिया होने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास उस स्टैट्यूट के अंदर रिक्वायरमेंट दे रखी हो. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज एक्टस रिया? एक्टस रिया इज नथिंग द एक्ट कमिटेड. तो जब एक्ट क्रिमिनल होगा तो वो कवर हो जाएगा एज अ क्राइम, तो वो हमारा क्राइम डिक्लेयर हो जाएगा. नाउ एक और मैक्सिम है हमारे पास, एक्टस मेन वीटो फैक्टस नॉन एस मेंस रिया, विच सिंपली मींस अ वॉलंटरी एक्ट. ठीक है, यदि मेरा एक क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है तो मेरी क्रिमिनल लाइबिलिटी भी नहीं हो सकती. क्रिमिनल लाइबिलिटी तभी होगी जब मैं कोई वॉलंटरीली क्रिमिनल एक्ट कमिट करूंगी. दैट इज योर मेंस रिया एंड एक्टस रिया ऑल टुगेदर. मेंस रिया एंड एक्टस रिया ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्राइम. तो वॉलंटरी एक्ट के लिए जो मैक्सिमम यूज करते हैं वो एक्टस मेन वीटो फैक्टस नॉन इज मेंस रिया. अब देखो, एक बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे जो है कि हमें लैटिन मैक्सिम्स को याद रखना पड़ता है. हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये मैक्सिम्स हमें कभी ना कभी किसी ना किसी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते. तो कंसिडरिंग दीज टू पॉइंट्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दिस मैक्सिम एंड दिस मैक्सिम ऑल टुगेदर. ऑलराइट, नाउ एक बात हमें याद रखनी है जो हमसे पूछते हैं. मैंने अभी अभी आपको ऊपर की स्लाइड में बताया कि जो मेंस रिया है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी, और यहाँ पे भी वही बात लिखी रहती है, सैक्रोसेन प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ. बट अंडर आईपीसी यू हैव अ लिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस, ऑलराइट, वेयर इन इवन इन द एब्सेंस ऑफ मेंस रिया, एब्सेंस ऑफ मेंस रिया, दीज ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड एज क्राइम. इन पांचों में इवन दो मेंस रिया प्रेजेंट नहीं है, लेकिन तब भी क्योंकि स्टैट्यूट के अंदर मेंस रिया का रिक्वायरमेंट नहीं दिया है, इसलिए ये सारे जो आपके ऑफेंसेस हैं इनके अंदर इवन दो मेंस रिया इज एब्सेंट दे विल बी कंसिडर्ड एज क्राइम. अब ऐसी चीजें जो होती है ना, ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बनने का चांस काफी हाई होता है. ऑलराइट, सो द फर्स्ट प्रोविजन हियर, there are total 5 list of offences where you do not require mens rea, even in the absence of mens rea, that is considered as a crime. All right. सबसे पहला है 121, waging war. यदि आप war commit करते हो, आप कुछ भी ऐसा करते हो which is resulting into waging war under 121 against the government, and then it doesn't matter whether you had that intention or not. If your act is leading to a war against the central government, against the particular peace and harmony of the country, then you will be entitled for criminal obligation. Then section 124A, ये काफ़ी ज़्यादा important section है contemporary conditions को ध्यान में रखते हुए. हमें बहुत सारे cases मिलेंगे अभी अभी इस topic के ऊपर. ये बात करता है sedition की. JNU controversy हुई थी कन्हैया कुमार वाली, उसके ऊपर भी sedition charges frame किए थे. ये क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे, बट एक बात हमें ध्यान रखनी है कि sedition में mens rea का होना ना होना important नहीं है. यदि आपका कोई भी action hatred create कर रहा है towards the government, तो ये आपका punishable होगा. Doesn't matter you had mens rea to commit that particular obligation or not. Then 359 and 363, एक बात करते हैं किडनैपिंग की, एक बात करते हैं एबडक्शन की. किडनैपिंग और एबडक्शन दो चीजें, इनके अंदर भी हमें मेंस रिया नहीं देखते हम. इफ यू हैव टेकन समबडी
if you have kept him under your confinement, then you have committed the offense of kidnapping and abduction, and it doesn't matter for what purpose you have kept that person into obligation. बात यहाँ पे इतनी है, मेंस रिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेंस रिया है या नहीं इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता. ये ऑफेंसेस पनिशेबल होते हैं इन इररिस्पेक्टिव ऑफ मेंस रिया बीइंग प्रेजेंट. इवन दो इफ यू डू नॉट हैड अ क्रिमिनल ऑब्लिगेशन और क्रिमिनल इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम अंडर दीज ऑफेंसेस, देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड दैट यू आर पनिशेबल. ऑलराइट, देन सम ऑफ द स्टैट्यूट्स इम्पोज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जैसे कि द आर्म्स एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एक्ट. आपके पास यदि ड्रग्स मिले तो आप पनिशेबल हो. जैसे अभी अभी एसआरके के बेटे का पूरा एग्जाम्पल चल रहा है, उसको अरेस्ट करा था नारकोटिक ड्रग्स में. उसके बाद जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट किया था, तब भी बहुत सारे चार्जेस बने थे ड्रग्स एक्ट के. तो ये सब जो लेजिस्लेशन है, ये स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन है. यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपका क्राइम करने का मेंस रिया था या नहीं था, ये चीज मैटर ही नहीं करती है. यहाँ पे जो चीज मैटर करती है वो ये है कि यदि आपके ऊपर कोई भी चार्ज फ्रेम हुआ है अंडर दिस लेजिस्लेशन, सो इट डजंट मैटर यू हैड मेंस रिया और नॉट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑब्लिगेशन. द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, इन सारे एक्ट्स के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिमिनल लाइबिलिटी हमको मिल जाएगी. ऑलराइट, मूविंग फर्दर, वेयर द पेनल्टीज आर प्रिटी पिटी फाइन्स. जब पेनल्टीज बहुत पिटी फाइन्स है, या फिर स्टैट्यूट ने ही नेसेसिटी ऑफ मेंस रिया के साथ डन अवे कर दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीडियंसी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इन क्रिमिनल लॉ मे बी इम्पोज्ड, दैट इज पार्किंग ऑफेंसेस. इन केसेस के अंदर भले आपका मेंस रिया था या नहीं था, मैंने यदि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं किसी शॉप के बाहर रुकी और मैंने अपनी गाड़ी वो व्हाइट लाइन के साइड में लगा दी जो रोड पे आ रही है, तो मैंने एक पार्किंग ऑफेंस कमिट किया. अब यहाँ पे हो सकता है मेरा इंटेंशन ना हो पार्किंग ऑफेंस कमिट करने का, पर तब भी मुझसे वो ऑफेंस तो हुआ. तो इस केसेस में भी मैंने क्राइम किया है और मुझे जो भी पेनल्टी मेरे पे इम्पोज की जाएगी, मुझे वो पेनल्टी पे करना मैंडेटरी है. ऑलराइट, देन नेक्स्ट, पब्लिक न्यूसेंस. आपको एक बात पता है पब्लिक न्यूसेंस का डेफिनेशन कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा आईपीसी के सेक्शन 278 में. दैट इज ऑल्सो अनदर एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया. तो सिंपल सी बात है, यदि आप पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो, आपका इंटेंशन क्रिमिनल था नहीं था इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात मैटर ही नहीं करती. यदि आपने ये ऑफेंस किया है एज पर आईपीसी अंडर पब्लिक न्यूसेंस का कॉन्सेप्ट, देन यू विल बी एंटाइटल्ड एज एन अक्यूज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ मेंस रिया बीइंग प्रेजेंट और एब्सेंट हियर. देन द लास्ट एक्सेप्शन इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. ये बात हम काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं एज अ लॉ स्टूडेंट, कि हम फैक्ट के इग्नोरेंस को इग्नोर कर सकते हैं, हम यहाँ पर फैक्ट को इग्नोर कर सकते हैं, बट हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमें लॉ नहीं पता था. हम कोई क्राइम करने के बाद ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो इस लेजिस्लेशन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था. दैट मीन्स इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. सो इवन दो आई डिड नॉट हैड अ मेंस रिया टू कमिट समथिंग, बट आई एम वॉयलेटिंग अ लॉ जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, तो हो सकता है मैंने वो लॉ इंटेंशनली वॉयलेट ना किया हो. लेकिन ये लॉ मैं इंटेंशनली वॉयलेट करूँ या ना करूँ इससे फर्क नहीं पड़ता. यदि मैंने किसी लॉ को वॉयलेट किया है तो मेरा मेंस रिया होना ना होना मैटर नहीं करता है, और मैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ प्लीड नहीं कर सकती हूँ जाके. तो इवन तो मेरा मेंस रिया नहीं था, मेरा कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था किसी लॉ को वॉयलेट करने का, बट यदि मुझसे कोई लॉ वॉयलेट हो जाता है या फिर मुझसे कोई एक्ट हो जाता है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो मैं मेंस रिया के ग्राउंड पे क्रिमिनल लाइबिलिटी एक्सेप्शन नहीं मांग सकती हूँ. क्रिमिनल लाइबिलिटी मेरे ऊपर इनकर्ड होगी और मैं क्रिमिनल लाइबिलिटी मेरे ऊपर इनकर्ड होगी और मेरा ऑब्लिगेशन बनेगा फॉर द ऑफेंस बीइंग कमिटेड अंडर दैट पर्टिकुलर लेजिस्लेशन. मूविंग फर्दर, नेक्स्ट टॉपिक विच फॉर टुडेज सेशन इज स्टेजेस ऑफ क्राइम. आप स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होता है पहले ही समझ लेते हैं. स्टेजेस ऑफ क्राइम में मतलब क्राइम डायरेक्टली कमिट नहीं होता है, क्राइम की कुछ सर्टेन स्टेजेस होती हैं. मतलब पहले आप अपने दिमाग में सोचोगे कि हाँ मुझे क्राइम करना है, फिर मैं उसकी प्रिपरेशन करूंगी, फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो कमिट कर दूं, और फिर फाइनल होगा कमीशन ऑफ क्राइम. यही चार स्टेजेस है, ठीक है. सिंपल सी बात है, एक क्रिमिनल के हिसाब से सोच के देखो, सबसे पहले तो वो दिमाग में सोचेगा दैट इज द इंटेंशन टू कमिट क्राइम, ठीक है. अब ये हुआ मेरा एक तरीके से मेंस रिया, ठीक है, जहां पे मैंने सोचा कि हाँ मुझे क्राइम कमिट करना है. उसके बाद मैं प्रिपरेशन करूंगी,
अब यदि मुझे किसी का मर्डर करना है तो मुझे उसके लिए वेपन्स लाने पड़ेंगे, मुझे उसके लिए सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो मेरी ये वो वाली स्टेज है। ऑलराइट, थर्ड है मेरा अटेम्प्ट, अब मैं कोशिश करूंगी। यदि मेरा सक्सेसफुल क्राइम मतलब क्राइम कमिट हो जाता है तो कमीशन हो जाएगा, नहीं होता है तो वो अटेम्प्ट की स्टेज पर रह जाएगा। अब क्वेश्चन ये होता है, हमसे एग्जाम में ये नहीं पूछते हैं जनरली क्या स्टेजेस ऑफ क्राइम है, वो तो जनरल है, पहले आप इंटेंट करोगे, फिर आप प्रिपेयर करोगे, फिर आप अटेम्प्ट करोगे, फिर आप कमिट करोगे। लेकिन हमसे यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज पे क्राइम पनिशेबल होता है। तो अब बात करते हैं पहली स्टेज की, ये है हमारा मेंस रिया का स्टेज। अभी हमने पिछले साइड में देखा कि मेंस रिया अलोन इज नॉट पनिशेबल, फॉर अ क्राइम टू बी पनिशेबल यू रिक्वायर टू फैक्टर्स, वन इज मेंस रिया, सेकंड इज एक्टस रियास। मेंस रियास भी चाहिए, एक्टस रियास भी चाहिए, इसका मतलब इस स्टेज पे तो आपका क्राइम पनिशेबल नहीं होगा, इस स्टेज पे आपका क्राइम पनिशेबल नहीं होगा। अब आते हैं दूसरी स्टेज पे, सिर्फ प्रिपेयर करना और कोशिश करना, प्रिपेयर कोशिश करने से पहले सिर्फ प्रिपरेशन करना। मैं यदि किसी को पॉइजन सर्व करने वाली हूँ तो पॉइजन खरीद के आना इज नॉट द क्राइम, जब तक मैं उसे किसी को सर्व नहीं करती तब तक वो क्राइम नहीं होगा। तो जनरली प्रिपरेशन की स्टेज पे भी पनिशेबल नहीं होते हैं ऑफेंसेस, लेकिन इस चीज के चार एक्सेप्शंस हैं जो मुझे इस फॉर्मेट में दिए हैं। इन चार कंडीशंस में मेरी प्रिपरेशन स्टेज भी पनिशेबल होगी। फर्स्ट, व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 122। सो व्हेनेवर आई एम प्रिपेयरिंग टू वेज अ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, यदि मैंने प्रिपरेशन भी की है उस चीज की तो यहाँ पे मेरे को पनिशमेंट दी जा सकती है, एंड दैट्स एन ऑफेंस विच विल डिस्कस इन द अंडर द चैप्टर ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। देन कमिटिंग डेप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 126। सो इफ आई एम कमिटिंग अ क्राइम which is fulfilling the requirements of section 126, and then if I'm preparing for it, so even before the stage of attempt, it is punishable. Then making preparation to commit dacoity 399. Dacoity ek lota aisa offense hai piche, offenses against body, offenses against property mein, jahan pe preparation karna punishable hai. Matlab dacoity commit karne ki preparation karna bhi punishable hai when it comes to Section 399, and that's the one offense only available under the chapter of offenses against property. Then we have counterfeit coins and government stamps 233 to 235. Is chapter ka ye jo offense hai counterfeit coins wala, ye bhi exception hai. If you're preparing to do this particular offense, then automatically even at the stage of preparation you will be punishable, and in all these four stages you will be punishable. Even doesn't matter whether you have attained the stage of attempt or commission or not, is stage pe hi aap punishable ho jaoge. Then the third stage, attempt to commit a crime, this stage yes it's punishable, is stage pe koi bhi crime punishable hota hai. Ab yahan do tarike se ho sakta hai, ek yadi kisi offense ke attempt ke particular sections hain to, ab iska example main aapko deti hu, jaise ki hamare paas 307 hai, जैसे कि हमारे पास 308 है, हमारे पास 309 है, ये सब अटेम्प्ट के सेक्शंस हैं, जहाँ पर अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड, ये सब ऑटोमेटिकली अंडर द लेजिस्लेशन पनिशेबल है। अब जिन ऑफेंसेस के हमारे पास अटेम्प्ट के पर्टिकुलर सेक्शंस हैं वो तो ठीक है, पर जिन ऑफेंसेस के हमारे पास अटेम्प्ट के पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, उन ऑफेंसेस को भी कमिट करने का यदि हम अटेम्प्ट करते हैं तो हम पनिशेबल हो जाते हैं अंडर सेक्शन 511। तो कोई ऑफेंस जो हम ट्राई कर रहे हैं कमिट करने का, हम अटेम्प्ट वाली स्टेज पे जहाँ पे हमने ट्राई कर लिया कि यस वी वांट टू कमिट दिस पर्टिकुलर ऑफेंस, वो यदि अटेम्प्ट का स्पेसिफिक सेक्शन है तो ठीक, नहीं है तो वो ऑफेंस पनिशेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 511। देन कमीशन ऑफ द क्राइम, यस एब्सोल्युटली दिस इज अ पनिशेबल स्टेज ऑफ अ क्राइम, दैट्स एन एब्सोल्युट थिंग। ऑलराइट, the landmark case on this particular point is Abhyanand Mishra versus the state. इस केस में कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया था बिटवीन द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन एंड द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट।
कोर्ट ने कहा था जनरली प्रिपरेशन का जो स्टेज है वो पनिशेबल नहीं होता है एक्सेप्ट इन दीज फोर स्टेजेस जो हमने ऊपर डिस्कस किया अंडर आईपीसी, और अटेम्प्ट का जो स्टेज होता है यहाँ से ही आपका पनिशमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट. दैट मीन्स obviously the commission stage is punishable under IPC, but then the attempt stage is also punishable under the IPC. That too, if you have a specific section, it's okay. If you do not have a specific section, then you have section 5 and 11 for the rescue. All right. Okay. So I have a small question here. I hope you guys can answer it in the chat box below. Who drafted IPC? Who was the one who drafted IPC? Was there only one person who drafted it, or there was a team of three? So I am hoping that I'll get answer to this question in the chat box soon. All right. Next, let's move further. Jurisdiction of the court. Ab, of the court या फिर हम यहाँ पे बात करेंगे of the legislation. IPC कहाँ कहाँ apply करेगा? मोटा मोटा बात करूँ तो हमारे पास दो jurisdictional limits हैं. पहला है हमारे पास इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, एक है हमारे पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, एवरी पर्सन को अप्लाई करता है आईपीसी. ऑलराइट, और इंट्रा टेरिटोरियल मतलब विद इन टेरिटरीज, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. कोई भी इंडिविजुअल यदि इंडिया की टेरिटरी में आके कोई भी टाइप का क्राइम कमिट करता है तो वो आएगा इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ दिस कोर्ट में. और यहाँ एवरी पर्सन के अंदर सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, दोनों पे ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है अप्लाई करता है. दैट मीन्स अ पर्सन ए हु इज अ रेसिडेंट ऑफ स्पेन, इफ ही विजिट्स इंडिया फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, एंड इफ ही कमिट्स थेफ्ट टुवर्ड्स बी हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देन whether charge under IPC on A can be framed? Yes. Now, for example, let's assume in the given example, B is a person who belongs to England. ठीक है? But A has committed theft on the territory of India, that is Delhi. Then also, whether Indian Penal Code will be applicable? Yes. Why? Because what really matters in the intra-territorial applicability is that it should be committed within the territory of India. तो भी देख कोई भी offence Indian territory पे हुआ है, चाहे वो citizen करे या non-citizen करे, दोनों ही केस में it's a yes that yes Indian Penal Code will be made applicable. तो बात यहाँ पे individual के citizen होने या non-citizen होने की नहीं है. जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे वो ये है कि वो इंडियन टेरिटरी पे कमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है. ऑलराइट, देन व्हेन इट कम्स टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन, दैट मींस आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब आउटसाइड द टेरिटरी है तो कोई लिंक तो है नहीं इंडियन इंडिया से, लेकिन सेक्शन 3 और 4 वहां पे अप्लाई करेगा जब भी किसी भी इंडियन सिटीजंस के साथ कोई भी क्राइम होता है आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तब आईपीसी यहां पर अप्लाई करेगा. दिस इज द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ इंडियन पीनल कोड. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, इसके साथ साथ हमें एक बात याद रखनी है, किसी भी शिप पे यदि कोई भी क्राइम होता है विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, एंड इफ दिस क्राइम इज हैपनिंग ऑन द हाई सीज, ठीक है, हाई सीज इज द एरिया वेयर नीदर ऑफ द कंट्रीज हैव ज्यूरिसडिक्शन टू सू, देन ऑल्सो इंडियन पीनल कोड विल बी मेड एप्लीकेबल. वाई? बिकॉज वॉट इज द लिंक हियर? इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया. ठीक है, ओके. नाउ if any person targets a computer located in India from any of the place, then what's the link here? The computer should be located in India. यदि वो computer India में located है और कोई crime उस computer के साथ होता है तब भी IPC यहाँ पर apply करेगा. That's a given
fact under section 3 and 4. That means Indian Penal Code will have intra-territorial application as well as extra-territorial application. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जनरल एक्सप्लेनेशंस पे जाते हैं. जनरल एक्सप्लेनेशन का जो चैप्टर है वो सेक्शन 6 से स्टार्ट होकर सेक्शन 52A तक दिया हुआ है. इसके सेक्शंस हैं, सारी डेफिनेशंस याद करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कुछ डेफिनेशंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो डिस्कस करते हैं हम शॉर्ट में. सेक्शन 19 बात करता है जज की डेफिनेशन की. कोई भी जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड जज है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको लॉ के अंदर लीगल प्रोसीडिंग के अंदर राइट्स दिए गए हैं एज अ जज, वो आपका सेक्शन 19 में कवर होगा. ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनरल डिफेंसेस जो हम इसके बाद पढ़ेंगे उस चैप्टर में कुछ एक्सक्लूजन्स जजेस को दिए हुए हैं. दैट इज व्हाई दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है. देन यू हैव सेक्शन 21 विच टॉक्स अबाउट अ पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट की काफ़ी लंबी सी लिस्ट दी हुई है, इसमें 11 सिचुएशंस है, 11 चीजें जो पे पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड है. कोई भी कमांडर मिलिट्री नेवी एयरफोर्स में, कोई भी जज, कोई भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो लिक्विडेटर का काम करे या कोई भी ऑफिशियल ड्यूटी करे, एनी जूरी पर्सन, ऑलराइट, एनी आर्बिट्रेटर जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिला हो. अब आर्बिट्रेटर इसमें इंक्लूडेड होता है, ये हमको जनरली नहीं पता होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. आर्बिट्रेटर इज ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21, ऑलराइट. Just arbitrator is also a public servant under section 21. It may be a possibility that arbitrator is not considered as court, which is an exclusion, but arbitrator ko hum public servant consider karte hain under section 21. Then we have section 22 mein movable property. Immovable property ka definition humko transfer of property act mein mil jata hai. Movable property ka definition humko section 22 mein yahan par आईपीसी के अंदर मिल जाएगा. ऑलराइट, मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है यहाँ पे. इट एक्सक्लूड्स लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ एंड समथिंग विच इज परमानेंटली फिक्स्ड टू अर्थ. ये सब चीजें यहाँ पे कंडीशनली एक्सक्लूडेड होती हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. देन अंडर सेक्शन 23 वी हैव रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन. किसी को भी यदि गलत लॉस हो या गलत गेन हो जिसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है, तो वो सेक्शन 23 के अंदर रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन होगा. रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको आगे चल के कुछ डेफिनेशन और कुछ कॉन्सेप्ट में कवर करेंगे. थेफ्ट होता है तो थेफ्ट में एक को रॉन्गफुल लॉस होता है, एक को रॉन्गफुल गेन होता है. यदि मैंने किसी की वॉच को चोरी करा तो मुझे यहाँ पे रॉन्गफुल गेन होगा क्योंकि वो वॉच मेरी नहीं है, आई एम नॉट एंटाइटल्ड फॉर दैट वॉच. एंड जिसकी वॉच मैं चोरी कर रही हूँ उसको रॉन्गफुल लॉस होगा. दिस इज सेक्शन 23. देन डिसऑनेस्टली इज 24, दिस 25 इज फ्रॉडुलेंटली. दोनों में फर्क क्या है? डिसऑनेस्टली आपका होता है जहाँ पर इंटेंशन होता है रॉन्ग कॉज करने का, इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू वन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर. फ्रॉडिनेंटली का मतलब होता है इंटेंट ऑफ डिफ्रॉड. यहाँ पे आपके एक्शन से एक को रॉन्गफुल गेन हुआ, दूसरे को रॉन्गफुल लॉस हुआ. फ्रॉडिनेंटली में आता है इंटेंट टू डिफ्रॉड समबडी. ऑलराइट, दीज आर द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यू विल हैव टू कवर. मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे सेशन इज प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट. ये दो बड़ी बातें हैं इसमें. कॉमन इतना कुछ है कि हम इतना कॉमन होकर कन्फ्यूज हो जाते हैं. एक ही कॉमन इंटेंशन, एक ही कॉमन ऑब्जेक्ट. अब कॉमन इंटेंशन हमें मिलेगा सेक्शन 34 में, कॉमन ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा सेक्शन 149 में. ठीक है, यदि मैं सेक्शन 34 की बात करूँ तो सिंपल सा मीनिंग है, जहाँ पर भी कमीशन हुआ हो किसी क्रिमिनल एक्ट का, जहाँ पर भी मोर देन वन पर्सन ये करे इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन करे. और इसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट है कि एवरी पर्सन इज लाइबल. 34 के एसेंशियल्स में ये बात बहुत क्लियरली दी हुई है, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, मोर देन वन पर्सन के थ्रू कमिटेड होना चाहिए और कॉमन इंटेंशन होना चाहिए और हर इंडिविजुअल इसमें लाइबल होगा. तो ये हमारा सेक्शन 34 है. ठीक है, अब 149 में क्या है? 149 ऑफ 34 में पहला डिफरेंस ये है, यहां बात हुई थी कॉमन इंटेंशन की, वहां बात है कॉमन ऑब्जेक्ट की.
ये बात करता है अनलॉफुल असेंबली की, जहां पर फाइव और मोर पीपल होंगे वहां हो सकती है अनलॉफुल असेंबली, यहां पर था मोर देन वन पीपल, यहां हमने बात की कॉमन इंटेंशन की, यहां हम बात कर रहे हैं कॉमन ऑब्जेक्ट की। ये बेसिक डिफरेंस है सेक्शन 34 और सेक्शन 149 में। इसके एक लैंडमार्क केस से मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है महबूब घोष वर्सेस एम्परर, जिसमें ये बोला गया था कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स जो होता है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स जो होता है वो एक एक सिंबल है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन है या नहीं इस बात को जस्टिफाई करता है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। यदि कंसल्टेशन हुआ है सारे लोगों के बीच में, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हुआ है, तो वो होता है हमारा कॉमन इंटेंशन। जबकि कॉमन एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्री अरेंज प्लान होने के होना ना होने से फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि कहीं पे कोई अनलॉफुल असेंबली चल रही है, आपको नहीं पता वो किस सब्जेक्ट मैटर की, और आप जाके उसका मेंबर बन जाओ, तो भी आप लाइबल होगे अंडर 149। लेकिन फॉर द लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 34, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू हैड कॉमन इंटेंशन विद द अदर पार्टी। दैट मीन्स एवरी इंडिविजुअल had a pre-arranged plan or their minds were meeting on the given topic as to they have to commit this particular crime. So this is the basic difference between common intention and common object. Alright, then अब आ जाते हैं हम general exceptions के chapter पे। अब ये chapter बड़ा important chapter है exam point of view, ठीक है, इससे हमसे काफी सारे questions पूछे जाते हैं, और हमारे पास मेजरली 7 जनरल डिफेंसेस हैं। जनरल डिफेंसेस का मतलब ये होता है कि इन सेक्शंस के बीच में यदि आप इसमें से किसी भी सेक्शन को जस्टिफाई कर रहे हो, उसके सेंट्रल डिफरेंस के सबसे फॉल कर रहे हो, तो आप एग्जम्प्टेड होगे फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी। हियर यू विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी। यदि आपके अपने इसके सेंशंस को फुलफिल करा तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा फॉर द क्रिमिनल लाइबिलिटी। अभी एक्सेप्शंस क्या है इसको समझ लेते हैं। एक है हमारे पास मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक है हमारे पास मिस्टेक ऑफ लॉ। इसके पहले हम एक बात जान लेते हैं, कुछ एक्सेप्शंस जो होते हैं वह है वो एक्सक्यूजेबल ऑफेंसेस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, और कुछ होते हैं जस्टिफाइड। एक्सक्यूजेबल में हमारे पास फॉल करेगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमारा ये है, उसके बाद एक्सीडेंट हमारा ये है, ठीक है, एक्सक्यूजेबल है हमारा, ई इज फॉर एक्सक्यूजेबल। देन 81 से लेकर 86 हमारा एक्सक्यूजेबल में फॉल, इसके बहुत सारे कुछ सेक्शंस हमारे एक्सक्यूजेबल में है और कुछ सेक्शंस हमारे पास जस्टिफाइबल में है। उसके बाद कंसेंट और ये हमारा जो सारा का सारा सेक्शन है ये जस्टिफाइबल में फॉल करता है, ये जस्टिफाइबल में फॉल करता है। मोटा मोटा एक्सक्यूजेबल मतलब लॉ ने उन्हें एक्सक्यूज किया है क्रिमिनल लाइबिलिटी से, और जस्टिफाइबल मतलब लॉ के अंदर वो एक्शन जस्टिफाइड है। ये बेसिक फर्क है एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाइड एक्शंस के बीच में। पहला है हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ तो हो नहीं सकता, हमने अभी देखा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस, हमने अभी अभी ऊपर मेंशन के चैप्टर में देखा, ठीक है। तो सेक्शन 76 बात करता है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन अंडर रीजन ऑफ मिस्टेक इन गुड फेथ। So if something is done, if he assumed that he is bound by law to do something, then he will be exempted under 76 ka liability. ठीक है, इसमें हमारे लिए क्या important है, एक person bound by law था, दूसरा उसने जो भी किया वो good faith में किया, तीसरा it's a mistake of fact and not mistake of law. Why? Because mistake of law is not at all excusable. Now you have 79 के अंदर ये है, if a person is justified by law to do that particular thing in good faith and he assumed 76 jo aapka hai wo bound hai by law, 79 jo aapka hai wo justifiable by law hai, justified by law, law ke andar usko allowed hai wo specific kaam karna, usko aisa assume kiya aur usne good faith mein mistake of fact kar diya, in dono cases mein usko exemption mil jayega। उसके बाद जुडिशियल एक्ट है हमारे पास 78 में, जब भी कोई एक्ट खुद जज करता है या फिर अंडर जजमेंट ऑफ कोर्ट हो, ठीक है, तो ये दोनों हमारे जस्टिफाइबल है क्योंकि लॉ ने ऐसा कुछ करने के लिए हमें बोला है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 80 में, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट अ लॉफुल एक्ट शुड बी प्रेजेंट। ऑलराइट, यदि कोई भी एक्सीडेंट से कुछ हो जाए, मिसफॉर्च्यून से
कुछ हो जाए, क्रिमिनल इंटेंशन यहाँ पे नहीं है, मेंस रिया एब्सेंट है और आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वो आपका सेक्शन 80 के अंदर फॉल करेगा। इन सब में आपका मेंस रिया प्रेजेंट नहीं है, कहीं कहीं पे मेंस रिया का प्रेजेंट ना होना इम्पोर्टेंट है फॉर द एक्टिविटी टू क्वालिफाई फॉर जनरल एक्सेप्शन, दैट्स अ गिवन फैक्ट। ऑलराइट, देन एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, यहाँ पे बात आ गई, यहाँ पे हमारा ये जो सेक्शन है ये एब्सेंस ऑफ मेंस रिया को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जैसे सेक्शन 88 में दिया हुआ है कि आप बिना क्रिमिनल इंटेंट के कोई ऐसा काम करो जिससे पड़ा कोई हार्म रुक जाए, तो आप सेक्शन 81 के अंदर एग्जम्पशन मांग सकते हो। ऐसे ही हमारे जो ये सारे सेक्शंस हैं उसमें ये दिया हुआ है। अब देखो, इसमें आपको एक बात याद रखनी है, इसमें कॉन्सेप्ट है डोली इनकैपेक्स का। ठीक है, इसमें हमको एक बात यहाँ पे याद रखनी है, हमें क्या बात है आपकी, एनी चाइल्ड हु इज बिलो 7 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, इसको फुल एग्जम्पशन है क्रिमिनल लाइबिलिटीज। एनी चाइल्ड हु इज बिटवीन 7 टू 12 इयर्स ऑफ एज, इसको पार्टली एग्जम्प्टेड है, मतलब यदि इसकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है कि ये क्राइम कर सके तो इसको एग्जम्पशन मिल जाएगा, लेकिन यदि ये मेंटली ग्रो कर चुका है फॉर कमिटिंग दैट पर्टिकुलर क्राइम तो इसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो हमारे पास बिलो 7 इयर्स ऑफ एज फुल एग्जम्पशन है, व्हाटएवर क्राइम यू कमिट यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज, यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अक्यूज्ड एंड यू विल बी नॉट इम्पोज्ड विद अ क्रिमिनल लायबिलिटी। 7 टू 12 में बस पार्टली एग्जम्पशन है, डिपेंड्स ऑन द मेंटल कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। इसी को हम डोली इनकैपेसिटेट का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमको बिलो 7 इयर्स वाला जो है ये हमको 82 में मिल जाएगा, और बिटवीन 7 इयर्स टू 12 इयर्स हमें 83 में मिल जाएगा। ठीक है, actually this is 83 is the concept of qualified immunity, 83 is the concept of qualified immunity. ye immunity aap claim karne ke liye qualified to hain, but then you should prove that you do not have that mental capacity to commit that crime. if you had that mental capacity to commit a crime then you will not be given an exemption under either section 82 or section 83 for that particular matter. all right, 84 बात करता है अनसाउंड माइंड की। हमारे पास सेक्शन 84 है जो बात करता है अनसाउंड माइंड की। अनसाउंड माइंड में हमारे पास है मैक नॉटन रूल या मैक नॉटन केस। सिंपल सी बात है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी कैपेसिटी विच इज इन विच यू आर नॉट ऑफ अनसाउंड, इफ यू आर ऑफ अनसाउंड माइंड देन यू विल बी कवर्ड अंडर द चैप्टर ऑफ एक्सेप्शंस। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम यू हैव बीन ऑफ अनसाउंड नेचर। ठीक है, कमीशन ऑफ द क्राइम के टाइम पे आपका अनसाउंडनेस चेक किया जाएगा। यदि आप अनसाउंड नेचर को हो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ अ क्राइम तो ही आपको 84 का ये रूल का एग्जम्पशन मिलेगा, अदरवाइज आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ऑलराइट, फॉर द एक्ट विच इज डन बाय कंसेंट, जहाँ कंसेंट की बात आ गई वहाँ पे हमारे पास ये सारे सेक्शन है। हमने जहाँ इंडिविजुअल की कंसेंट लेके कोई भी काम करा, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। दैट मीन्स यू आर कमिटिंग समथिंग विद द कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी, द पार्टी हैज कंसेंटेड, हैज गिवन कंसेंट टू कमिट दैट पर्टिकुलर एक्शन, और उस एक्शन के करते करते यदि आपसे कोई क्राइम हो जाता है तो उसमें आप डिफेंस मांग सकते हो सेक्शन 87 से 91 के बीच का। इसमें जो हमें ध्यान रखने वाली बात है, पहली बात ये गुड फेथ में होना चाहिए इसमें से कोई भी एक्शन, ठीक है। दूसरी बात, कंसेंट प्रेजेंट होना चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड कंसेंट है उसके हिसाब से, ठीक है। और ये किसी ना किसी के बेनिफिट में होना चाहिए, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, तो वही बात आ गई हमारी गुड फेथ वाली। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए हमें ये सारी बातें एसेंशियल है। ऑलराइट, ओके, देन यू हैव ट्रिफलिंग एक्ट। अभी ट्रिफलिंग एक्ट क्या होता है, ट्रिफलिंग एक्ट मतलब छोटी छोटी ऐसी बातें जिनको हम लॉ के अंदर कंसिडर नहीं करते, ऐसे एक्ट जो स्लाइट हार्म कॉज करें, ऐसे एक्ट जो स्लाइट हार्म कॉज करें ये कवर्ड नहीं होते हैं। इसमें हमारा जो मैक्सिम है वो है डी
मिनिमिस, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेग्स, ये हमारा मैक्सिम है जो 95 से डायरेक्टली रिलेटेड है. कोई भी ऐसा स्लाइट एक्टिविटी, कोई भी ऐसा स्लाइट एक्ट जो रिजल्ट नहीं करेगा वो होगा आपका ट्रिफलिंग एक्ट अंडर सेक्शन 95. ऑलराइट, देन द लास्ट पार्ट ऑफ डिफेंसेस का चैप्टर एंड जनरल एक्सेप्शन चैप्टर इज सेक्शन 96 से लेके 106 तक, दैट इज योर प्राइवेट डिफेंस. ठीक है, दिस इज राइट ऑफ योर प्राइवेट डिफेंस. नाउ यू हैव प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बोथ बॉडी एंड प्रॉपर्टी. और एक और अच्छी बात बताऊं, आप अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को तो प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं, साथ में आप किसी अदर इंडिविजुअल की बॉडी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं. दैट मींस यू हैव अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट योर ओन बॉडी एंड योर ओन प्रॉपर्टी, एज वेल एज यू हैव राइट टू प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ योर ऑफ द अदर इंडिविजुअल और द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर इंडिविजुअल. नाउ ये तो हमने देख लिया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमारे पास बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के लिए अवेलेबल है. अब हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? इट स्टार्ट्स एज सून एज देयर इज एन एप्रिहेंशन ऑफ डेंजर. ठीक है, जैसे ही एप्रिहेंशन ऑफ डेंजर है आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा. एंड ये एंड होता है, ये कंटिन्यू करता है टिल दिस apprehension continues. जब तक ये apprehension आगे continue करेगा तब तक आपका right to private defense चलता रहेगा. अब यदि मेरे को कोई मार रहा है और दो कदम की दूरी पे पुलिस स्टेशन है, लेकिन मैं तब भी पत्थर उठाती हूँ और सामने वाले को मार देती हूँ और पुलिस स्टेशन नहीं जाती हूँ, तब भी क्या मैं क्वालिफाई करूंगी फॉर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? नहीं. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए कोई इंडिविजुअल तभी क्वालिफाई करता है जब नियरेस्ट पॉसिबल पब्लिक सर्वेंट की एक्सेस लेने का रास्ता अवेलेबल आपके पास ना हो. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका लास्ट मैकेनिज्म होना चाहिए, फर्स्ट मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए. आपको यदि प्राइवेट डिफेंस क्लेम भी करना है तो आपको लास्ट में क्लेम करना चाहिए, पहले क्लेम नहीं करना चाहिए. दिस इज अ गिवन फैक्ट अंडर सेक्शन 96 to 105. अब प्राइवेट डिफेंस के नाम पे यदि आपको कोई थप्पड़ मार रहा है तो क्या आप बदले में उसको मर्डर कर देंगे? नहीं. क्या आप उसकी डेथ कॉज कर देंगे? नहीं. फॉर दैट पर्पस यू हैव टू सेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 100 एंड इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 103. ये दोनों सेक्शंस आपको बताते हैं दैट व्हेन यू कैन कॉज डेथ ऑफ द अदर इंडिविजुअल अंडर द कैटेगरी ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है when it's against the body, somebody is trying to rape, somebody is trying to murder, culpable homicide, grievous hurt ho raha hai, ye sab factors jo 6-7 points diye hue hain usme you can even cause death of the individual on account of right of private defense. Similarly when it comes to property you have a list wherein you can cause death of the other individual. Uske alawa aap private defense ke naam pe kisi ki bhi death cause nahi kar sakte. उस ऑफेंसेस की लिस्ट के अलावा यदि आप किसी की भी डेथ कॉज कर रहे हो ऑन अकाउंट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, देन द डिफेंस विल नॉट बी अवेलेबल टू यू एज पर सेक्शन एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्शन 96 to 106. सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट द जनरल एक्सेप्शंस अवेलेबल. ठीक है, ये सात हैं, ये सातों हमें याद रखना है, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, हमें इनका ध्यान रखना है. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. इनकोर्टेड क्राइम्स क्या होते हैं? जहाँ पर डायरेक्टली आपका मेंस रिया नहीं है बट आप ही के कारण ये क्राइम कमिट हो रहा है, दोज आर इनकोर्टेड क्राइम्स. उसमें आपका चैप्टर 5 आता है और आपका चैप्टर 5 भी आता है. चैप्टर 5 में आपका दिया हुआ है अबेटमेंट और आपके पास है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दो सेक्शन में, सेक्शन 128 एंड सेक्शन 120B. अबेटमेंट आप तीन तरीके से करते हो, बाई इंस्टिगेशन, बाई इंटेंशनल एडिंग और इलीगल कमीशन, और बाई एंगेजिंग पर्सन इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. ठीक है, अबेटमेंट इन तीन तरीके से होता है. अब एक बात हमें समझनी है, क्रिमिनल लॉ में डिग्रीज के बीच में डिफरेंशिएशन दिया हुआ है. एक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री, एक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेकंड डिग्री, एक है हमारा दो डिग्रीज में हमारा डिवीजन है, सॉरी. ठीक है, फर्स्ट डिग्री जो हमारी है वो जो क्राइम कर रहा है, लाइक वन हु कमिट्स द क्राइम और गेट्स द सेम कमिटेड बाय एन इनोसेंट पर्सन, मतलब द अबेटर और द कॉन्स्पिरर, व्हाटएवर द केस मे बी. एंड द अदर डिग्री के अंदर फॉल करता है वन हु इज प्रेजेंट एट द सीन एंड कमिटिंग क्राइम. सो फॉर एग्जांपल, आई अबेट अ चाइल्ड ऑफ 3 इयर्स टू गो एंड सर्व अ ड्रिंक
which had a kind of animal which might have led to the death of the other individual. So I am the person who will be falling in the first degree and the child will be the person who will be falling in the second degree. Abhi degree samajhna kyun important hai? In quite a crimes ke andar two degrees of criminals present hoti hai. Generally hum baat kar rahe hain yahan pe second degree mein jo fall karega wo to crime commit kar raha hai, wo to commission stage pe hai, to wo to automatically punishable hoga hi hoga us crime ke liye. Except only exceptions will be if he is falling under the chapter of general defenses. लेकिन हमें बात करनी है यहाँ पे criminal liability of the person falling under first degree में जो individual जो directly scene पे available नहीं है crime scene पे, लेकिन उसी के theories, उसी के ideologies और उसी के principle के कारण कोई offence commit हो रहा है, alright? तो अब उसकी liability क्या होगी? तो यहाँ पे दो चीजें दी हैं, एक है abatement आप तीन तरीके से करते हो. You can instigate somebody to commit that particular crime. You can aid somebody. जैसे कि आपने ये प्लान बनाया, सब कुछ किया, आपने बताया ऐसे ऐसे क्राइम करना है, आपने उसको हेल्प भी किया, उसको वेपन भी ला के दिया, सब कुछ किया. सो दिस इज वेर यू आर इंटेंशनली एडिंग दैट इंडिविजुअल टू गो एंड कमिट अ क्राइम. देन बाय एंगेजिंग पर्सन्स इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यू माइट एंगेज एन इनोसेंट पर्सन इन योर कॉन्स्पिरेसी एंड यू कैन एंड अप लेटिंग हिम कमिट अ सर्टेन क्राइम. सो इफ इन एनी सेंस और इन एनी सर्कमस्टेंस यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कमीशन ऑफ अ गिवन क्राइम, that means you are committing abatement either of the three modes, either through instigation or through intentional aiding or through engagement in the criminal conspiracy ka concept. All right, then the next topic under this in quite a crime is abater ka liability jo hota hai, jo isme abatement mein commit karta hai, use hum abater bolte hain, aur is defined under section 107. So abatement aapko milega 107 mein और आपको अबेटर का डेफिनेशन मिलेगा 108 में, ठीक है? अब हम आते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर क्या है? पहली बात तो कॉन्स्पिरेसी करने के लिए टू और मोर पीपल चाहिए, ठीक है? दो या दो से ज्यादा लोग हमें चाहिए कॉन्स्पिरेसी कमिट करने के लिए, ठीक है? उसके बाद आप कॉन्स्पिरेसी किसके लिए करते हो? या तो किसी इलीगल एक्ट को कमिट करने के लिए आपने कॉन्स्पिरेसी करी, या फिर किसी लीगल एक्ट को इलीगल वे में करने के लिए आपने कॉन्स्पिरेसी करी. दोनों ही केस में आप कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल होगे अंडर सेक्शन 120A एंड 120B. दिस हैज बीन एडेड थ्रू एन अमेंडमेंट, दिस वॉज नॉट ओरिजिनली प्रेजेंट. ऑलराइट, नाउ कॉन्स्पिरेसी का बेसिक मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है? सो यू हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, टू और मोर पीपल चाहिए एग्रीमेंट के लिए. यू हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू कमिट ईदर एन इलीगल एक्ट और अ लीगल एक्ट थ्रू इलीगल मींस. सो इफ यू आर फुलफिलिंग दीज पर्टिकुलर एसेंशियल्स एंड एसेंशियल्स, देन यू आर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. Then the next topic is offences against state for today's session. Offences against state they are 121 से 130. पर क्या सारे offences हमारे लिए important हैं? नहीं, सारे offences हमारे लिए important नहीं हैं. सिर्फ जो offences हमारे लिए important हैं, वो ही हम discuss करेंगे. Waging war का मतलब क्या होता है? भाई इसमें term है war, तो कुछ ना कुछ तो war से related होगा, ठीक है? Waging war against the government of India. यदि कोई भी individual in group या alone try करता है कि वो government of India के against कोई war wage कर सके, war मतलब arms and aggressions लाना, ठीक है? या फिर कुछ ऐसा करना जिसके कारण agitation हो लोगों में and it lead to violence under in the state, something which is disturbing the public peace, ठीक है? And which is violent in nature, that is war. वेज वॉर करने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप प्लानिंग कर रहे हैं वॉर कमिट करने के लिए, या फिर आपके एक्शन से वॉर का कमीशन होना और ज़्यादा एजिटेट हो रहा है और वॉर कमिट हो सकता है, देन इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेजिंग वॉर, ठीक है? तो अक्यूज ने या तो वेज किया हो वॉर, अटेम्प्ट किया हो वॉर वेज करना. हमने अभी ऊपर सिटी ऑफ क्राइम में पढ़ा कि वेजिंग वॉर का अटेम्प्ट करना इज ऑल्सो पनिशेबल एंड प्रिपरेशन करना इज ऑल्सो पनिशेबल. प्रिपरेशन ऑफ वेजिंग वॉर इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 122 ऑफ IPC. वॉर वेज करना इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 122 ऑफ IPC, ठीक है?
या फिर आपने अबेट किया हो वॉर वेज करने के लिए, तो भी आपकी लाइबिलिटी यहाँ पे क्लियर और डिस्टिंग्विश दी हुई है. ठीक है. नाउ सो द पनिशमेंट ऑफ दिस सेक्शन इंक्लूड्स लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी. दिस इज वन ऑफ दो सेक्शंस जहां पर प्रिपरेशन करना भी पनिशेबल है, अटेम्प्ट करना भी पनिशेबल है, और पनिशमेंट भी डेथ सेंटेंस यहाँ पर पॉसिबल है. मतलब ये काफी ग्रेव ऑफेंस है. ठीक है. फिर हमारे पास सेक्शन 122 है जहाँ पे प्रिपरेशन टू कमिट अ वॉर पनिशेबल है. उसके बाद वी हैव सेक्शन 123 जो बात करता है कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन टू वेज वॉर. यदि आपने प्लान किया है वॉर वेज करने का, इफ यू हैव प्लान टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यू आर कंसीलिंग दैट डिजाइन टू वेज अ वॉर, देन यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस विच इज एप्लीकेबल हियर. ऑलराइट. सो यू विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 123. देन you have sedition. Under this chapter you find 124A. काफी important section है, contemporarily बहुत important है, काफी सारी landmark conditions हुई हैं. You might get a passage on this particular topic in CLAT also. There is a 100% possibility to get a passage here. All right. 124A deals with sedition. Sedition का basic मतलब होता है creating or exciting hatred, contempt or disaffection against the government of India. If through your if any person who by written words or spoken words or signs or visible representations or otherwise creates or brings attempts to bring even attempt is punishable here. देखो यहाँ पे attempt भी punishable है. ठीक है. इसी section में attempt punishable है. या तो वो lie या फिर attempt करे to bring hatred or excite disaffection including the feeling of enmity and disloyalty towards the government of India, then he will be punishable with a fine or imprisonment up to 3 years along with the fine in certain cases or fine. Simple सी बात है, हमें यहाँ पे ये बात याद रखनी है. Sedition जो offence है वो against the state category में है. मतलब it has something to do with government of India. So whenever a person tries to bring any kind of hatred, उसके action के through वो hatred create करे, कंटेम्प्ट करे किसी भी पॉलिसी का, किसी भी प्रोविजन का ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर डिसअफेक्शन लाए, मतलब द फीलिंग ऑफ एनिमिटी, दुश्मनी क्रिएट करे बिटवीन द सिटीजन ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू हिज वर्ड्स और विजिबल रिप्रेजेंटेशन, देन ही इज एंटाइटल्ड टू कमिट द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 124A. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कंटेम्पररी रेलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कन्हैया कुमार का कॉन्ट्रोवर्सी यदि आपको JNU वाला याद होगा, उस कंट्रोवर्सी में कन्हैया कुमार के ऊपर भी सेडिशन चार्जेस लगाए हैं. सेडिशन अब मोर ऑफ अ टूल हो गया है अवेलेबल विद द गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत ही ग्रेव ऑफेंस है. ऑलराइट. और ये बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड नहीं है. डिसअफेक्शन का मतलब क्या, कंटेम्प्ट का मतलब क्या, हेटेड का मतलब क्या, तो जनरली गवर्नमेंट इसको यूज करती है अपना एजिटेशन निकालने के लिए. ऐसा बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं पे क्लेम की है. ऑन दिस टॉपिक वी हैव टू लैंडमार्क केसेस एंड वी हैव सो मेनी कंटेम्पररी केसेस ऑल्सो. In this session, I'll be covering the landmark case on this particular topic. First, you have Ram Nandan versus State of UP, ठीक है, which was overruled in Kedarnath case. Original case was Ram Nandan. Ram Nandan के अंदर Ram Nandan के principle को overruled किया था court ने in Kedarnath case, ठीक है. Ram Nandan में question हुआ था. This was the first case wherein constitutional validity of the sedition laws was questioned. अलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पर ये हेल्ड किया था कि सेडिशन लॉ जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन है ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन, दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ 124A वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. इट वाज हैम्परिंग द फंडामेंटल फ्रीडम प्रेजेंट अंडर आर्टिकल 19(1)A. हमारे पास जो फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रेजेंट है अंडर आर्टिकल 19(1)A उसको डायरेक्टली हैम्पर कर रहा है सेक्शन 124A. ये अलाहाबाद हाईकोर्ट ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम राम नंदन वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में हेल्ड किया था और कंसिडर किया था सेक्शन 124A को अल्ट्रा वायस अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 14, द प्रिंसिपल ऑफ 9(1)A एंड आर्टिकल 21. अल्ट्रा वायस डिक्लेयर हुआ था अगेंस्ट 14, 19 एंड 21. देन दिस जजमेंट वॉज ओवरहोल्ड इन केदारनाथ दास वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ पर कोर्ट ने ये कहा था कि ये सेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ उन एक्ट्स को डिस्टिंग करता है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करने, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, प्लस जो एंटाइटमेंट करेंगे विच विल लीड टू वॉयलेंस.
हाँ यदि कोई झगड़ा होता है, हेट्रेड क्रिएट होती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दैट विल अल्टीमेटली लीड इन टू वायलेंस ऑफ द पार्टीज, एंड दैट इज वॉट द कोर्ट हैज स्टेटेड इन केदारनाथ दास वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि ये जो सेक्शन है ये सेक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीस एंड हारमोनी इन द कंट्री है, पीस एंड हारमोनी इन द कंट्री है. यदि इस सेक्शन को हटा देंगे तो ये सेक्शन लीड करेगा वॉयलेंस में, विच इज नॉट गुड एंड विच विल डिस्टर्ब एंड विच विल क्रिएट विच विल डिस्टर्ब द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री. तो सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ के लैंडमार्क जजमेंट में बोला था दैट दिस सेक्शन इज 124A इज इंट्रा वायस एंड नॉट अल्ट्रा वायस. दैट मीन्स द वैलिडिटी ऑफ दिस सेक्शन वॉज अपहेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस. तो रामनंदन में पहले उसको डिक्लेयर किया अल्ट्रा वायस, उसके बाद इस केस के अंदर उसको इंट्रा वायस डिक्लेयर कर दिया था. ऑलराइट, दिस इज दीस टू केसेस आर वेरी लैंडमार्क व्हेन इट कम्स टू सेडिशन लॉज अंडर सेक्शन 124A एंड दिस हैज कंटेम्पररी रेलेवेंस आल्सो. ऑलराइट, तो हमें ये बातें यहाँ पे पता होनी चाहिए. ओके, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ IPC पे, दैट इज योर ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी. अब ये क्या बोलता है भाई, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा. सबसे पहले सेक्शन 299 से लेकर 377 तक आपके ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी दिए हुए हैं, ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स दीज ऑफेंसेस. कल्पेबल होमसाइड है, मर्डर है, डावरी डेथ है, हर्ट के दोनों टाइप्स हैं, हर्ट है, नॉर्मल हर्ट है, हमारे पास ग्रीवियस हर्ट है, ठीक है, उसमें हमारे पास एग्रावेटेड फॉर्म्स है जो पनिशेबल है, किडनैपिंग है, एबडक्शन है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, रेप है. रेप के साथ साथ 2013 का अमेंडमेंट, 2015 का अमेंडमेंट, 2018 का अमेंडमेंट सब इम्पोर्टेंट है. इसको अच्छे से हमें डिटेल में कवर होगा करना होगा. फिर हमारे पास अननेचुरल ऑफेंसेज है 377 के फॉर्मेट में, जिसके साथ साथ हमें सुप्रीम कोर्ट की तीनों इम्पोर्टेंट रूलिंग्स को भी कवर करना होगा. ऑलराइट, इसमें से ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे ऑफेंसेस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. ऑलराइट, सो वील ट्राई टू कवर सम ऑफ दीज ऑफेंसेस टुडे इन द टुडे सेशन, एंड वील ट्राई टू कवर द अदर लेफ्ट ओवर ऑफेंसेस इन द पार्ट टू. तो आप पार्ट वन देखिए, आप मुझे बताइए यदि मुझसे कुछ मिस हो जाता है, कुछ भी और कवर करने की ज़रूरत है. सो वील बी हैप्पी, प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स बिलो. And you will find the description about all the previous lectures in this crash course series, which will be beneficial for you if you are appearing for an LLM entrance examination. You will find the details of these series in the description box below, and you can also consider the playlist available on YouTube itself. So this is a free course, we are providing you free of cost, and the reason behind giving you this course is because you get to accustom as to, there's a quick revision course as to what topics are important for you as an aspirant if you are appearing for an LLM entrance examination. तो हम इस chapter को complete करेंगे आज के session में नहीं, next session में हम continue करते हैं, start करते हैं culpable homicide क्या होता है, murder क्या होता है, ठीक है, हम उसमें और भी कवर करेंगे, हम ये सारे ऑफेंसेस कवर करेंगे, और हम कवर करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. ऑलराइट, हमारा फ्री मॉक अवेलेबल है, यू कैन फाइंड अ फ्री मॉक फॉर एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यू विल गेट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ यू विश टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेम, यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज www.toprankers.com. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन, काइंडली गो इन द यूट्यूब सर्च बार, सर्च आवर चैनल, सब्सक्राइब इट टू गेट डेली अपडेट्स. सो वी हैव एन नंबर ऑफ लेक्चर्स प्लान्ड फॉर यू इन द अपकमिंग मंथ. 19 जून को एग्जाम है, डी डे से पहले आइए हमारे साथ, प्रिपेयर कीजिए, समझिए और टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, और ये सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे. इफ यू विश मी टू कवर समथिंग एल्स, please drop a message in the comment section below. We would be happy, I would be more happy to cover all the topics at your request. And please हमें like कीजिए और subscribe कीजिए और हमें motivate कीजिए कि हम ऐसी आपके लिए educational videos और important videos CLAT LLM entrance examinations को लेकर आगे आने वाले time period में जाते रहें. Thank you so much.